ट्रैवल डायरी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं कोना हाईवे पे पाकुड़िया पे जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ आया हूँ, तो आज महावीर जयंती के अवसर पे इसका दर्शन कीजिए मेरे साथ। शनिवार का दिन तो हनुमान जी का दर्शन, चप्पल वगैरह रखने की यहाँ व्यवस्था है। क्योंकि आज महावीर जयंती है यानी हनुमान जयंती है, इस अवसर पे यहाँ पर सजावट चल रही है और शायद शाम को वजन वगैरह होगा। जो कपड़े लगे हुए हैं नॉर्मल नहीं है, आज के लिए स्पेशल है, तो आज ये सजावट चल रही है। पंखे वगैरह की व्यवस्था भी है और जैसा देख रहे हैं ये झांकी भी है। यहाँ पर मंदिर की भव्यता को देखिए, ये नॉर्मल मंदिर है। कभी दूसरे समय आने से इसको दिखा पाऊंगा, क्योंकि आज जो शामियाना लगा हुआ है इस कारण इसकी एक्चुअल भव्यता मंदिर की नहीं दिखा पा रहा। चलिए अंदर चलते हैं ऊपर में। सवेरे करीब 9 बजे का समय है, देखिए फिर भी काफी भक्तगण आ गए हैं। सजावट बहुत ही अच्छी है और जो पत्थर के काम है बहुत ही बारीक है। देखिए ये गर्भगृह है, इसे आप थोड़ा देख सक रहे हैं बाहरी से। सामने में मूर्ति है और लाइट की पूरी सजावट है। अंदर की फोटोग्राफ चलाओ नहीं, इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लगा हनुमान जयंती के अवसर पे आपके यहाँ पर। ये उतर के मैं नीचे आ गया हूँ और एक साइड पे है। ऊपर में मूर्तियाँ बहुत सी थी जिसमें श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी तो थे ही, इसके अलावा शंकर जी की भी मूर्ति है। बहुत ही प्यारी मूर्ति है। और ये नीचे में मैं आ गया हूँ, इस साइड पे भी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर फोटोग्राफ्स है नीचे वाले साइड पे। तो ये बाहर से ही मैंने फोटोग्राफ्स लिए हैं जूम करके, ये वहाँ से निकल रहा हूँ नीचे से, और इसकी सजावट को आप देख सकते हैं। और इधर में ये जल रहा है और ये बाहर में भजन की जगह है और ये हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हुई है।
और मन्नत के लिए नारियल लगे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फूलों के काफ़ी फूल के पेड़ भी लगे हुए हैं जो उस माहौल को और भी खूबसूरत बनाते हैं। क्योंकि मैं सवेरे निकला था और यहाँ नाश्ते की भी व्यवस्था थी, चार्ज बहुत ही नॉर्मल था, क्लब कचौड़ी 20 रुपया, प्लेट 5 पीस और जलेबी, तो वो था, मैंने नाश्ता भी किया। तो पकौड़िया धाम का ये यात्रा बहुत ही अच्छा रहा, ये चॉइस था मेरा बहुत ही अच्छा रहा, जो समय है बहुत अच्छा कटा। तो कभी आप भी टाइम निकाल कर जरूर आइएगा। इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इस तरह से नए सफर में।